सो है बॉयस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग, होप करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया है, मस्त है। तो स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नया वीडियो पे। आज मैं जाने वाला हूँ एक पुराना यादगार जगह पे, आपको भी दिखाऊंगा, जाके सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो शाम हो चुका है, अभी 4 बज चुका है। तो रजत भाई को मैंने फ़ोन करके बता दिया कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि यार अकेला जाकर कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो उसको लेके जाऊंगा। और गाड़ी मेरा रेडी हो चुका है, तो फिर चलते हैं यार मोटरब्लॉक सेटअप पे, आपको लेके चलते हैं एंड चलते आज का जगह पे। बॉयस निकल चुका है अपन एंड देख पा रहे हो यार, आज हमारा गांव का बाजार चल रहा है सैटरडे एंड ट्यूजडे को होता है मार्केट हमारे इधर। बस एक छोटा मोटा सा हादसा हो गया, पता नहीं कैसे, लेकिन अपन गिर गया था वो जगह पे। लेन कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, तो कहीं भी तो लगा नहीं, और बहुत कोई बोल रहा था रुक जाओ आज मत जाओ, लेकिन हमको तो जाना है यार। अंधविश्वास में अगर विश्वास करेंगे तो ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे हम। इधर देख पा रहे हो यार, बारिश जैसा सीन हो रहा है। एक तो चूटिया कट गया वहाँ पे गिर के, ऊपर से टाइम भी बहुत ज़्यादा चला जा रहा है यार। 4:30 बज चुका है, तो 4 बजे पहुँचना था। तो गाइस देख पा रहे हो, इस साइड है चाय का बागान, इस साइड भी है चाय का बागान, ब्यूटी ऑफ द चाय ट्रीज। ओ मी गो, R15 एम है ये, मस्त यार। कब आएगा हाथ में पता नहीं हमको, पर रास्ता अभी मस्त लग रहा है यार, दोनों तरफ बस ग्रीनरी ग्रीनरी वाला सीन। सुभाष पहुंच चुके हैं बीरपाड़ा पे, अभी मैं जाने वाला हूँ वो वाला जगह पे। आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा अपना स्कूल, भाई क्या खतरनाक लग रहा है फ्लावर्स के साथ भाई। उसी जगह पे हम लोग आज जाने वाले, रजत भाई और मैं, तो जाके दिखाते हैं आप लोगों को क्या मस्त नज़ारा लग रहा है अभी स्कूल पे यार। एंड बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ अपना पुराना स्कूल, तो मज़ा तो आएगा ही। सुभाष पहुंच चुका हूँ बीरपाड़ा बस टर्मिनस, है तो ये बस टर्मिनस लेकिन बाहर है ट्रक्स, अंदर है बसेस। एंड टाइम हो चुका है इसीलिए बस बहुत कम मिलेगा, अभी 5 बजने वाला है लास्ट बस, 6:30 बजे तक ही मिलता है यहाँ पे, एंड उसके बाद आपको कोई भी बस नहीं मिलेगा। छोटा छोटा सा गली है यार इधर, एंड स्पीड ब्रेकर्स, ओ माय गॉड पानी कहाँ से आ रहा है, स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा है। तो पहले रजत भाई को लाएंगे, उसके बाद दिखाने के लिए ले कर जाएंगे आपको यार। गाइस ये देख रहे हो अपना भाई निकल चुका है, घुमा लेता हूँ मैं। चलो यार सब हाल बात ठीक ठाक। तो गाइस इट्स द मेन गेट ऑफ आवर स्कूल, लेकिन अभी ये वाला शायद बंद है, यहाँ पे काम चल रहा है, तो हम लोग को वो वाला गेट से जाना पड़ेगा ना। नहीं इधर से भी जा सकते क्या? हाँ इधर बंद है अभी फिलहाल, उधर से जाने देगा फिर? उधर का मेन गेट बंद है ना, सामने हेड सर खड़ा हुआ, जाने नहीं देगा। मलेगा चलो गाड़ी घुमाओ फिर उल्टा उल्टा पैर चलो अब। तो वो वाला रास्ता से जाना पड़ेगा ना, वो रहा हेड सर जा रहा है, वो रहा बुलेट का सामने। नहीं नहीं वो वाला रास्ता से तो जाने देगा ना, रविंद्रनगर होके उधर से पीछे का रास्ता। ठीक है तो गाइस यही है बीरपाड़ा हाई स्कूल का मेन गेट, देख पा रहे हो, तो हम लोग बैक डोर से जाएंगे, क्योंकि यार अभी अलाउड नहीं करता किसी को भी स्कूल जाने के लिए, एक्सेप्ट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। एंड सर से बात करने से जाने देगा, एक स्टूडेंट्स बोलने से, लेकिन फिर भी यार थोड़ा सा झमेला रह जाता है, तो काहे का इतना झमेला लेना, जिधर से रास्ता खुला है जिधर एंट्री मिलता है उधर ही जाएंगे। ओ मी गो एम्बेसीटर, एम्बेसीटर भाई कितने सालों बाद ये दिखा गाड़ी, पहले तो यही सब चलता था ना, अभी तो ये सब बंद हो गया पूरा। सवाइस पहुँच चुके यार स्कूल के सामने, इट्स आवर बीरपाड़ा हाई स्कूल। अरे भाई जाने तो देगा ना यार, क्यों नहीं देगा? हाँ तो जा ही तो सकते हैं ना। सो गाइस देख ही पा रहे हो यही है हमारा स्कूल बीरपाड़ा हाई स्कूल 1952 ESTD। एंड उधर एक फ्लावर का ट्री, इधर फील्ड देख पा रहे हो आप लोग, इधर भी बहुत बढ़िया मस्त नज़ारा लग रहा है, तो यहाँ पे भी जाएंगे अभी फील्ड में, फील्ड में तो एंट्री मस्त है, तो
तो यही था अपना स्कूल। तो हेलमेट उतार के मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। तो बस पहुँच गए हम लोग अपना पुराना स्कूल के सामने। यार मस्त नज़ारा लग रहा है, अभी पूरा स्कूल का हुलिया ही चेंज कर दिया। पहले अलग ही था ये स्कूल, हम जब पढ़ते थे तो ये सब गेट नहीं था, ये वाला गेट भी नहीं था, बनाया जा रहा है, मतलब बनाया भी नहीं जा रहा था। हम लोग पास आउट हुए उसके बाद ये बनाया गया। एंड बाकी उधर नया गेट, ये वाला रास्ता भी नहीं था ना भाई, ये वाला रास्ता, ये सब कुछ नहीं था। ये पानी का टंकी भी नहीं था यहाँ पे, ये भी नया बनाया गया। ये गेट मैन का रूम भी मॉडिफाइड किया गया। एंड बाकी ये वाला था एंड अंदर का तो हुलिया ही चेंज हो गया। यार देख पा रहा हूँ यार, बीरपाड़ा हाई स्कूल HS 1952। एंड ये वाला स्कूल का मैं एक बार शॉर्ट्स डाला था, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये स्कूल देख पा रहे हो यार, बिटेल नट्स का ट्री यहाँ पे गाड़ा गया है। एंड ये वाला चीज़ भी नहीं था, ये जो आप लोग देख पा रहे हो रास्ता, ये भी नहीं था। एंड वहाँ पे स्टेज भी नया बनाया जा रहा है फिर से। तो बस क्या ही बोले यार, पुराने स्टूडेंट्स, लेकिन अंदर जाने का एंट्री शायद नहीं मिलेगा, बोला अंदर जाने का नहीं तो नहीं जाएंगे यार, क्या ही करेंगे अंदर जाके भी। वैसे भी आप लोग को यहाँ से दिखा ही दिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। एंड पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। तो मस्त है यार, नज़ारा भी मस्त लग रहा है। एंड ये स्कूल देख पा रहे हो यार। एंड अंदर वाला सीन आप लोग शॉर्ट्स में देख लेना, मतलब उस टाइम मैं आया था, उस टाइम वीडियो करके लेके गया था मैं, तो वहाँ पे शॉर्ट्स बनाया था, वो वाला आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड बाकी यहाँ का थोड़ा सा सिनेमैटिक्स आप लोग चेक कर लीजिए। अभी एंटर कर रहे हैं हम लोग हाई स्कूल ग्राउंड पे। एंड ग्राउंड पे एंट्री है यार, देख पा रहे हो फ्लावर्स। एंड बच्चा लोग यहाँ पे खेल रहा है। अरे बच्चा लोग खेलने देगा क्या हम लोगों को, या भगा देगा जाने से? पहले हम लोग ऐसे जैसा खेलता था, खेलने के लिए मांगता था, बड़े लोग आके हम भी वैसा जाके मांगते। बेकार स्कूल में घुस जाने से बोल रहा गलती से। सो बॉयस यही है हमारा प्यारा सा स्कूल का ग्राउंड, एक्स स्कूल। एंड पीछे देख पा रहे हो आप लोग फ्लावर्स, ऊपर से बच्चा लोग यहाँ पे खेल रहा है। एंड वॉकिंग चल रहा है, इवनिंग वॉक भी चल रहा है इधर। तो पहले यही ग्राउंड पे हम लोग बैठते थे टिफिन टाइम में, अभी इधर ही हम लोग बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो अच्छा लग रहा है यार आके। भाई तेरे को कैसा लगा आज आके? तू आते रहता है क्या? मेरा घर का सामने भी नहीं आता इधर। तू नहीं आता, लेकिन मेरा घर दूर है, लेकिन मैं आज आया यार, इसको भी बुलाया। मेरे को यार कुछ बंदों का पोस्ट देखने के लिए मिला था, यहाँ पे बहुत फ्लावर्स आया, इसी के लिए मैं भी सोचा यार चलो जाके आते, थोड़ा सा एक्स स्कूल घूम के आते। एंड चले आए आज लोग। ये है बीरपाड़ा गर्ल्स हाई स्कूल। अरे भाई तो यही है गर्ल्स स्कूल, देख पा रहे हो उस साइड, मतलब ये दीवार के उस साइड। तो गाइस ये वाला गेट से हम लोग अभी देखने के लिए आए हैं, देख पा रहे हो यार लेफ्ट सब बनाया गया है वो जगह पे, देख पा रहे हो क्या मस्त लग रहा है। एंड ये है मेन ऑफिस हमारा, ये है स्टेज, खतरनाक भाई खतरनाक। ओ मी गो यार, हम जब थे तो ये सब कुछ भी नहीं था, अभी यहाँ पे फूलों का बगान भी बनाया दिया गया है। एंड ये वाला यार मस्त लगा मेरे को, ये साइंस का लैब है ये जगह पे, तो उसी की वजह से वो बनाया गया है। एंड ये साइंस का रूम, जो साइंस लेते हैं उनका रूम। एंड ऊपर आर्ट का है, एंड और भी अच्छा अच्छा आर्ट है अंदर। तो अंदर नहीं जा सकते, बाहर से आप लोगों को दिखा दिया, कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड जो जो एक्स स्टूडेंट था यहाँ का, एंड अभी भी जो जो स्टूडेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना। आप लोगों के लिए दिखाने के लिए आज आया हूँ मैं, क्योंकि अच्छा लग रहा था, मेरे को भी आना था, तो चले आए।
गाइस तभी उस साइड से हम लोग दिखाए थे, तो ये है गर्ल्स हाई स्कूल, देख पा रहे हो इधर से लड़की लोगों का एंट्री, बस लड़का लोग नहीं जा पाते इधर, आते हैं लेकिन इस साइड रहता है यहाँ पे इसके ऊपर, और नहीं तो इधर आके रहते हैं क्योंकि इसका ऊपर उठ के ऐसे हेलो बेबी करता रहता है। कैसे 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 हेलो बेबी भाई साहब। तो यही है गर्ल्स हाई स्कूल एंड वो है हाई स्कूल, वो बॉयस नहीं है, वो हाई स्कूल है लेकिन ये गर्ल्स स्कूल है। वहाँ पे लड़का लड़की दोनों, हाँ 11-12 लड़का लड़की के लिए है एंड बाकी क्लास 10 तक बस लौंडा लोगों के लिए है ये, एंड ये बस 12 तक बस लड़की लड़की। सो बस यही था स्कूल का कुछ सीन, तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड फ्लावर्स देखिए यार मेरे पीछे मस्त आ रहा है, एंड सिनेमेटिक्स कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा। बहुत मेहनत से आज बनाया अपना रजत भाई, भाई पूरा पसीना पसीना हो चुका था भाई अपना बनाते बनाते क्या ही करे। एंड गाइस सभी जो हादसा हुआ उसके बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ, भाई थोड़ा स्टार्ट बंद कर। तो वो वाला चीज़ कभी कभी हो जाता है यार, मैं कुछ ज़्यादा ही लीन कर दिया था उस जगह पे, तो इसी के वजह से हुआ। तो बाकी उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी चोटें नहीं आए। तो बहुत कोई बोल रहा था यार मत जाओ, लेकिन वीडियो बनाना था मेरा, वैसे भी टाइम नहीं मिलता, तो यार चला आया। और थोड़ा ज़्यादा अगर कुछ होता तो मैं खुद भी नहीं आता, तो टेंशन मत लीजिएगा यार जो जो देखा उसको। एंड बाकी सब कुछ सही है, एंड वीडियो देख के आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी फिर हम इधर से निकल जाते हैं, एंड कुछ आगे भी काम है वो वाला भी मैं अभी दिखाऊंगा, तो चलते हैं फिर। बस जो मेरा काम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये दुकान से मैंने फ्रेम करवाया इसको, तो ये इसका अनबॉक्सिंग आप लोग को घर जाके दे दूंगा, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है एंड बारिश भी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, बारिश भी आ ही जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। तो चलते यार घर की ओर। सो गाइस बस दुकान से निकले एंड देखिए यार बारिश चालू हो चुका है भाई। नेक्स्ट डे सो गाइस कल रात को बारिश ख़त्म होके मैं चला आया था अपना घर, एंड रात को मैं सो गया जल्दी से। तो आज दोपहर का 2 बज रहा है, तो अभी तक मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया, तो कर लेते हैं पहले अनबॉक्सिंग, उसके बाद दिखाते हैं भाई आप लोगों को। तो चूल मची होगी ना क्या है उसके अंदर, तो दिखा देता हूँ मैं क्या है उसके अंदर। तो ये रहा सो गाइस, ये रहा वो चीज़ कल जो मैं रिसीव किया था। उसके बाद तो बारिश आ गया, घर आते आते रात हो गया, तो कल अनबॉक्सिंग नहीं किया मैंने, तो आज कर लेते हैं पहले अनबॉक्सिंग ब्रो। सो बॉयस जस्ट चेक इट आउट, खोल दिया है मैंने पूरा, तो क्या नज़र आ रहा है आपके सामने, क्या देख रहे हो आप इसको। चलो गाइस मजाक से हटके तो चेक इट आउट ब्रो, यो भाई। तो यही था कल का वाला चीज़, मैंने फ्रेम करवाया था इसको, एंड इसका सारा डिटेल्स मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो बॉयस देख पा रहे हो ये जगह पे अपन फ्रेम को बैठा दिया, सेट कर दिया है एकदम पीसी के सामने, तो मस्त लगेगा यहाँ पे। कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग भी बता दीजिए यार। सो गाइस फ्रेम को मैंने सेट कर दिया है ये जगह पे आप लोग देख पा रहे हो, तो कैसा लग रहा है प्लीज़ बता दीजिएगा। ये है पीसी का मेरा सेट, एंड यहाँ पे रख दिया है, एंड ये ही है अपना बेडरूम। तो यहाँ पे मतलब सुबह होने के टाइम यार देखने से मस्त लगेगा। तो ये 1K स्पेशल मैं करने के लिए चाह रहा था, लेकिन भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए भाई 1K के पहले ही लाना पड़ा ये चीज़। तो ये जिसने मेरे को दिया तो उसके लिए थैंक यू, उसका नाम ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देख लीजिए रॉन्ग पेंसिल अकाउंट है, एंड वो मेरा फ्रेंड भी था पहले जब स्कूल पढ़ते थे हम लोग, तो उसका नाम है रिपर्ना बख्शी। तो उसका आईडी भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये करवाना है ऐसा आर्ट, मतलब आप जैसा भी आर्ट करवा सकते हो, तो उसका इंस्टाग्राम का आईडी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो अगर आप लोगों को करवाना है तो प्लीज़ डीएम कीजिए। एंड बहुत टाइम भी लगा इसको बनाने के लिए, क्योंकि यार
समझ ही पाते हो, जब ये जो लिखने का है वो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जो ये मेरा फेस को बनाया गया था गाड़ी पे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया बनाने के लिए। एंड दिल से शुक्रिया इतना अच्छा आर्ट मेरे को गिफ्ट करने के लिए, थैंक्स रिपर्णा। तो आज का वीडियो यही तक रखूँगा मैं, क्योंकि जा बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो यार, 1K जल्दी से जल्दी कर दो, 950 हो गया भाई और 50 चाहिए, तो 1K कर दो भाई जल्दी से यार, क्यों नहीं कर रहे तुम लोग, जल्दी कर दो यार। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी ऐड पसंद आया तो रॉन्ग पेंसिल आईडी को फॉलो कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा उसका पोस्ट को, ताकि उसका भी थोड़ा सा रीच बढ़े। एंड गाइस आपको अगर करवाना है तो आर्ट आप DM कर सकते हो उसको, नहीं तो मेरे को करने से भी हो जाएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। एंड गाइस रुको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है उसका इंस्टाग्राम का, वहां से आप लोग फॉलो कर सकते हो, वहां से आप लोग DM कर सकते हो। तो देर किस बात की भाई, कर दो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। We'll be right back.